दो गोलियां और जिंदगी की डोर कट गई। बवाल तो खूब हुआ, फिर पुलिस की जांच शुरू हुई। पुलिस की 8 टीमें हत्यारे की तलाश में लगाई गई, लेकिन वारदात किसी ब्लाइंड मर्डर की तरह दिख रही थी। और जिंदगी की डोर कट गई, बवाल तो खूब हुआ, फिर पुलिस की जांच शुरू हुई। पुलिस की 8 टीमें हत्यारे की तलाश में लगाई गई, लेकिन वारदात किसी ब्लाइंड मर्डर की तरह दिख रही थी। और खाकी के सामने चुनौती थी, क्या वो हत्या की गुत्थी को सुलझा सकेगी। लेकिन ठीक 1 महीने बाद खाकी उस गुनहगार को सामने लाने में कामयाब हो गई। ज्वेलर की हत्या, फिर गुनहगार की चुनौती, हत्या की गुत्थी, पेचीदे सवाल, 1 मर्डर और 8 टीम। पुलिस की 8 टीम वारदात को बेनकाब करने में लगी। आईजी साहब तक पूरे केस की स्टडी में लगे हैं, लेकिन मुजरिम ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। 1 महीने के दरमियान कई पहलुओं पर जांच की गई, पुलिस कई पेचीदे सवालों के जवाब ढूंढने में लगी रही। 1 महीने बाद हुआ हत्या का खुलासा। सिर्फ 6,000 रुपए के लिए हुई थी हत्या, जिंदगी पर भारी पड़ा 6,000 रुपए का हिसाब। 6,000 का उधार और बकाया रकम की वापसी के लिए हत्या की जिस बेखौफ हकीकत से आप रूबरू हो रहे हैं, वो अलवर की है। पूरा वाकया शिवाजी पार्क के पास का है, जहां 26 जनवरी की रात सुरेश गुप्ता नाम के व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। ज्वेलर सुरेश गुप्ता पर सिलसिलेवार 3 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 2 गोलियां उसकी जिंदगी को फना करने में कामयाब हो गई। 20 जनवरी की शाम में किसी सुरेश जी गुप्ता का उनके घर में घुसते समय अज्ञात आदमी ने मर्डर कर दिया था, जिसमें पूरा शहर हिल गया था और व्यापारी वर्ग का काफी उसमें भावुक हो गया। और एसपी साहब श्री विकास कुमार जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया, चुनौती के तौर पे लिया, और सारी टीम ने रात दिन मेहनत करके और इस केस का खुलासा कर दिया है, जिसमें सोनू सिंह, सनफ श्री विजय सिंह शिकारी है जाति से और खारवास शिवाजी पार्क में रहता है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया है। पुलिसिया तफ्तीश इस नतीजे पर पहुंची कि ज्वेलर सुरेश गुप्ता की हत्या उसकी दुकान में काम करने वाले पप्पू राजपूत के भाई सोनू राजपूत ने की थी। दरअसल पप्पू ने सुरेश की दुकान पर 9,000 रुपए एडवांस देकर 40,000 रुपए की चांदी बुक की थी, लेकिन चांदी की बुकिंग करने के बाद वो दुकान पर नहीं आया। इस दौरान वो अपने घर पर ही रहने लगा, और जब दुकान पर नहीं जाने की वजह पप्पू के भाई सोनी से उसने पूछी तो उसने बताया कि मालिक ने गाली गलौज कर उसे दुकान से निकाल दिया है। मुलजिम ने अपनी पूछताछ में अब तक ये बताया है, वो ये है कि ये इनके 2 इशू थे। एक तो उसका छोटा भाई वहाँ पे नौकरी करता था, तो गेम खेलने की बात पर, एब्सेंट की बात पर सुरेश जी ने इसको हटा दिया था। दूसरा जो इसने कोई 40,000 रुपए पर केजी के भाव से 9,000 रुपए एडवांस दे करके 1 किलो चांदी बुक करवाई थी, उसमें से 3,000 रुपए ले लिए, 6,000 रुपए ड्यूज थे। उसको लेकर के इशू था कि सुरेश जी कह रहे थे कि जो भी डिफरेंस बनता है उसको लेकर के आप हिसाब कर लीजिए, ये कह रहे थे कि मैं पूरा हिसाब लूंगा। और इन दोनों चीजों पे अपने मन में इसने अपनी गांठ बांध ली, रंजिश बांध ली, और उसको लेकर के इसने सुरेश जी के 2 गोली मारी और गोली मार करके ये फरार हो गया था। अभी आरोपी से हथियार बरामद नहीं हो पाया है, अभी हम आज इसका पुलिस रिमांड लेंगे और इससे थोरोली इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हथियार कहां से आया था, हथियार कहां पे इसने रखा है, किसी को दे दिया है या छिपाया हुआ है। कोई ये जो मैं बता रहा हूँ यही इशू है, वो क्या कह रहा है वो एक अलग इशू है। ये उसने 40,000 की चांदी की बुकिंग की बात भी सोनू को बताई, जिसके बाद सोनू ने सुरेश गुप्ता से गाली गलौज का इंतकाम लेने की ठान ली। इस बीच वो सुरेश गुप्ता की दुकान पर भी गया और 9,000 रुपए एडवांस वापस करने की बात भी की। उस वक्त उसे 3,000 रुपए दिए गए थे और बाकी पैसे बाद में देने की बात कही गई। जब सोनू अपने बाकी बचे 6,000 रुपए लेने गया तो ज्वेलर सुरेश गुप्ता ने चांदी का भाव गिरने का हवाला देते हुए बाकी पैसों का हिसाब करने को कहा, जिसे लेकर सोनू और सुरेश गुप्ता के बीच काफी बहस भी हुई।
उस वक्त तो सोनू वहाँ से चला गया, लेकिन साथ में सबक सिखाने की बात भी कह गया। हथियार हरियाणा वालों ने दिया था मुझे है ना, और 50,000 रुपए की डील करी थी, वो भाग गए और मेरे पीछे था। किसने डील करी थी, क्या डील करी थी? मुझे तुझे 50,000 रुपए दे दूंगा, होटल पे आए थे मेरे दिन। कौन थे वो लोग? इतना नहीं जानता था मैं, 2-4 दिन तक आए थे। हाँ जी, तेरे भाई काम करता था? हाँ जी, मेरे भाई काम करता था सुरेश के। 26 तारीख की रात सोनू ज्वेलर सुरेश गुप्ता के घर के बाहर उसका इंतजार करता रहा, और जैसे ही सुरेश गुप्ता के घर के पास पहुंचा, सोनू ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां उसके जिस्म पर दाग दी। 2 गोलियां उसके जिस्म से आर पार हो गई और सुरेश गुप्ता ने वहीं दम तोड़ दिया। इस पूरे वाक्य की खबर पुलिस को दी गई, लेकिन सुरेश गुप्ता के परिवार से जब पूछताछ की गई तो परिवार के सदस्य किसी भी रंजिश का ब्योरा नहीं बता पाए। घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज भी गुनहगार तक पहुंचने में मददगार साबित नहीं हो रहे थे। फिर कॉल डिटेल की मदद ली गई और जल्दी ही सोनू और सुरेश गुप्ता के बीच की गई बात का क्लू लग गया, और फिर पुलिस ने सोनू की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की गिरफ्त में आए सोनू राजपूत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो वही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। अलवर से मुदित गौर के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस। अजमेर से रिश्तों की सबसे शर्मनाक हकीकत सामने आई है, खबर ऐसी कि उसे सुनने वाला हर शख्स दंग हो जाए, लेकिन 17 साल की उस लड़की के भाई को जरा सी शर्म नहीं आई। पिता की मौत हो गई थी और जायदाद पर कब्जे की प्लानिंग थी, लेकिन जायदाद की हिस्सेदारी के लिए उस भाई ने अपनी ही बहन की असमत का सौदा कर दिया। अपने ही साले के सामने अपनी बहन के जिस्म को परोस कर। कहीं देखा है ऐसा भाई? अपनी ही बहन की असमत का किया सौदा, साले के सामने परोस दी अपनी बहन, हिस्सेदारी के लिए इज्जत की बलि। उनका सबसे उनका भाई है वो सबसे गंदा, उसी की वजह से हुआ, सारा माइंड उसी का है, उन्होंने गेम बना के डाल दिया मेरा। अजमेर की इस खबर ने रिश्तों के बीच उस चुनौती को पेचीदा बना दिया है, जिसमें महिलाओं की इज्जत और उसकी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं। अजमेर की इस खबर को देखने के बाद आप बस यही सवाल पूछेंगे कि आखिर महिलाएं कहां सुरक्षित हैं, और क्या बदलते दौर में रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह गया? रिश्तों का अब नहीं कोई मतलब, फिजूल है भाई का रिश्ता। रिश्तों को कोसती और भाई के रिश्ते को कलंकित करती ये खबर अजमेर की है। अपनी दर्द दास्तां के साथ 17 साल की नाबालिग बच्ची महिला थाने पहुंची है और एसपी साहब के सामने रिश्तों की कहानी पेश की। कल पीड़िता एसपी साहब के समक्ष पेश हुई थी, उसने अपने कुछ बताया कि मेरे साथ इस तरह घटनाक्रम हुआ है, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी, अभी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। अभी उसने आरोप लगाया है, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। ये है कि उसकी भाभी अपने भाई से इसकी शादी करवाना चाहती थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लेके कि मेरे भाई से शादी करवा देती हूँ तो प्रॉपर्टी हमारे बीच ही रह जाएगी, और इस बीच उसने कुछ आरोप लगाया, उनकी सत्यता की जांच की जा रही है। उसने बता रही है, क्लिपिंग हमारे सामने पेश नहीं की, उसने बताया है, तो हम आईटी एक्ट के तहत और पॉक्सो में दर्ज किया गया जांच की। जी हाँ, 17 साल की नाबालिग की हकीकत इतनी दर्द भरी। पिता की मौत के बाद भाई को जायदाद में हिस्सेदारी चाहिए। सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं, वो तो पूरे जायदाद को हड़पने में लगा था, और इसके लिए रिश्तों की बलि दे दी गई। एक भाई ने अपनी ही बहन के जिस्म को अपने साले के सामने परोस दिया, उसकी इज्जत को साले के सामने नंगा कर दिया। प्रॉपर्टी के लिए किया, मेरी भाभी ने अपने नाम घर कराना चाहती थी, मार पिटाई जब से पापा एक्सपायर हुए, जब से बहुत परेशान करते थे, इंजेक्शन भी लगाते थे, घर के अंदर ही रख देते, कहीं जाने भी नहीं देते थे, और स्कूल भी छोड़ा दिया कि मैं किसी को कुछ बता नहीं दूं। पैसे के खातिर उन्होंने मुझसे सीखी थी, तभी भी
लिखवा दिया झूठा झूठा और मम्मी के खिलाफ भैया के सबके खिलाफ लिखवाया झूठा झूठा मार मार के मुझे बहुत छुरी से बहुत डराती थी कहती थी। पिता की मौत के बाद भाई माँ से भी मारपीट करने लगा, लेकिन इस ज्यादती को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो दिल्ली अपने रिश्तेदार के पास चली गई। अब भाई की नीयत और प्रबल हो गई, उसने जायदाद के लिए अपनी बहन की आबरू के सौदे की प्लानिंग की, उस बहन की जो अभी दसवीं में पढ़ती है। जान से मार दूंगी तुझे, भाभी बहुत गंदी है, उसके भाई ने शादी बोलते तेरे उसके भाई से तेरी शादी अपने भाई से शादी कराऊंगी, उसके भाई ने बहुत दिन तक मुझे बहुत परेशान किया, गंदे गंदे मेरे साथ हरकतें की। भाई के साथ उसकी भाभी भी पूरे वारदात में बराबर की शरीक हुई। एक दिन भाभी ने नाबालिग लड़की का अश्लील क्लिप नहाते वक्त बना ली, फिर अपने भाई से उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। लड़की के इनकार के बाद भाभी ने अपने भाई को घर पर ही बुला लिया और एक रोज कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर अपने भाई के सामने छोड़ दिया। स्कूल भी छोड़ा दिया मेरा और मुझे अभी तक बहुत परेशान की। जब मैंने सारी बातें अम्मी को बताने के लिए किया तो उसने मेरी वीडियो बना रखी थी, वो दिखाने लगी मुझे और बोली तूने किसी को भी कुछ बोला तो मैं सबको दिखा दूंगी और मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। और उन्होंने किया, व्हाट्सएप पे डाल के ग्रुप बना लिया मेरे गांव की चोरी गुड़िया के नाम से, और वो ग्रुप पे बहुत सारे लोग थे। बहन की इज्जत भाई और भाभी के सामने लूटी जाने लगी और भाभी उसका वीडियो बना रही थी। दुष्कर्म की वीडियो बनाई गई और फिर से शादी का दबाव बनाया गया और लड़की के इनकार के बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। भाई और भाभी की वहशियत की कहानी नाबालिग ने एसपी साहब के सामने रखी। उस ग्रुप में वो वीडियो सेंड करते थे और सब लोगों को मैंने पुलिस में भी कई बार बताने की कोशिश की, उन लोगों ने भी भगा दिया, कई बार बात करके समझौता कॉम्प्रोमाइज बोल बोल के वापस घर भेज दिया। घर जाके फिर भैया मारते थे, मम्मी भाभी मम्मी मारती थी, वो मम्मी को मारती थी मेरी भाभी बहुत बुरा बुरा, और हम लोगों को बहुत परेशान करती थी। अब तो उन्होंने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया धक्के देख के। साथ ही वो वीडियो भी पुलिस के सामने रखा गया जिसके जरिए उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई भाभी और साले के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रही है। अजमेर से संतोष सोनी के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस। बिल्कुल भोर का वक्त था, वो सोच के लिए बाहर निकली थी, लेकिन इस दरमियान उसके ही गांव का एक शख्स टेम्पो लेकर आया और उसे बंधक बनाकर अपने साथ ले गया और जब उसे छोड़ा गया तब तक उसकी आबरू लूटी जा चुकी थी। एनकाउंटर में जिस वारदात से हम आपको वाकिफ करवाने जा रहे हैं वो बेहद सनसनीखेज है। सनसनीखेज इसलिए क्योंकि एक बार फिर से एक नाबालिग लड़की को हवस की आग में जला दिया गया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन हैवान ने उसकी एक ना सुनी और उसकी आबरू पर हमला करता रहा। भीलवाड़ा में नाबालिग लड़की से रेप, जिस हकीकत से हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं वो भीलवाड़ा के बीलिया इलाके की है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया है। नाबालिग लड़की के मुताबिक वो सुबह के वक्त अपने घर से शौच के लिए निकली थी। इस दौरान जगदीश बंजारा टेम्पो लेकर आया और नाबालिग को जबरन अगवा कर ले गया। जी मैं फ्रेश होने गई थी जब पीछे से कोई लड़का आया और मेरे को उठाया, उठा के टेम्पो में डाल के ले गया। टेम्पो से मेरे को बाद में उसके नर्सी है ना पास में, इधर उसके मकान के पास में वहाँ लेके गया, वहाँ लेके जाके ये कुछ कर दिया उस पर करना था, जबरदस्ती मुंह में कपड़ा डाल दिया था मेरे, जबरदस्ती से पैसा वैसा नहीं दिया, जबरदस्ती से उठा के ले गया मेरे को वहाँ ले जाके कोटा काम कर दिया उसको करना था जो।
अपने गुनहगारों को कानून के सामने बेपर्दा करने के लिए पीड़ित नाबालिग लड़की अपने परिवार के साथ मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई। थानेदार साहब को पूरे वाकये के बारे में बताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। थाना में बच्चे को पकड़ ली, लड़का को भी पकड़ लिया, पकड़ के ले गया तो थाना वाला को फोन कर दिया, गाड़ी वाला गाड़ी को फोन कर ली, प्रताप नगर थाना वाला को फोन करके गाड़ी भी आ गई। उस लड़का को थाना वाला लेके चल गया तो वहाँ पे पाछी कोई कार्रवाई नहीं की मेरे साथ। ऐसे कि मैं पिछले दिनों सुबह मैं गई थाने के अंदर तो मेरी कोई भी बात ये नहीं की हो कि तेरे साथ कई घटना आई कई नहीं, तेरी बसी कैसे नहीं है, कोई मेरी पूछताछ नहीं की। तो इसलिए मालिक मैं दौड़ के बच्ची को लेके मैं सर के एसपी साहब के बंगले पे पहुंच गया। उसको छोड़ देगा पुलिस? अब पुलिस वाला ऐसा की था कि इसका उल्टा पॉइंट लग के बच्ची का तो रेप का तो नाम ही नहीं लिया मालिक, एंड दूसरा लिख लिखा के इसकी पाबंदी करवा के इसको बाहर निकाल दिया था। भीलवाड़ा की इस खबर ने एक बार फिर सरकारी दावों के साथ ही समाज की मानसिकता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सरकारी दावे एक तरफ तो दूसरी तरफ कुछ काली मानसिकता लिए लोग हर रोज किसी जिस्म को घायल करने में जुटे हैं। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज थाने पे पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि मेरी नाबालिग बच्ची शौच करने गई थी, वहाँ अधीक्षक ने उसको ले जाके और जंगल में उसके साथ गलत काम किया, जिस पे पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया गया और आज शाम को अभियुक्त जगदीश बंजारा निवासी बापनगर को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान जारी है। किन किन धाराओं में प्रकरण 366 है, 376 और पॉक्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल मुआयना भी करवाया और असमत के गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी जारी है। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि पीड़ित और उसके परिवार को इंसाफ के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भीलवाड़ा से देवर तिवारी के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस। मौत को तो उसने अपनी मर्जी से चुना, लेकिन अपनी मौत के लिए उसने इश्क को बदनाम कर दिया। वो अपनी माशुका से प्यार तो करता था, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहता था। मौत को चुनने से पहले सुसाइड नोट में उस शख्स ने कुछ ऐसा ही लिखा है। इश्क और शादी के बीच फंसा वो शख्स आखिर में ट्रेन के आगे कूद गया। इंसान प्यार तो कर लेता है, अपनी मोहब्बत के लिए चांद तारे तक तोड़ लाने का वादा करता है, लेकिन हर इश्क की हकीकत हसीन सपनों जैसी नहीं होती। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर कर जाना है। आशिकों ने ही इश्क को मुकम्मल पहचान दिलाई और कुर्बान होते आशिकों की वजह से ही इश्क की राह कांटों की राह साबित हुई। बेपनाह मोहब्बत ने कभी मोहब्बत के परिंदों के पर काट दिए तो कभी उनके प्यार को कुचल दिया गया। प्यार की राह आसान नहीं है, ये सभी को पता है, लेकिन प्यार के गीत गुनगुनाने वालों की कभी कमी नहीं हुई। एनकाउंटर में हम बात कर रहे हैं प्यार के उस पंछी के बारे में जिसने अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मौत के बाद बदनाम हुआ इश्क, करता था प्यार नहीं करना चाहता था शादी। अब मौत का जिम्मेदार किसे माने? कमबख्त इश्क को जो परवान पर था लेकिन उसे कबूल करने की ताकत नहीं, और फिर मौत का रास्ता चुनना सबसे आसान लग रहा था। प्यार करने की हिम्मत तो उसने जुटा ली थी, लेकिन प्यार को कबूल करना उसके बस की बात नहीं। मजबूरी जो भी हो, परिवार का डर हो, जाति का डर हो, प्रेमिका के परिवार से विवाद रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्रेमी प्यार को अपनाए बगैर ट्रेन की पटरियों के आगे कूद गया।
प्रेमी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। प्यार तो करता था लेकिन अपना नहीं सकता था। प्यार में मौत को चुनने की खबर कोटा की है और पूरा मामला उद्योग नगर थाना इलाके का है, जहां एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मुझे स्टेशन से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति डाउन लाइन पर रन ओवर हो गया है। मौके पर पहुंचे, वहां पे एक 23-24 साल के लड़के की बॉडी पड़ी हुई थी और सर घर से अलग था। उसको वहां से उठाकर पोस्टमार्टम बोर्ड रख पाया। बॉडी में जो तलाशी ली तो उसके पास एक पर्स मिला, पर्स में सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि भाई मैं किसी से प्यार करता हूं लेकिन शादी नहीं करना चाहता और मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। अभी उसके परिजन भी आ गए, उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद जैसी स्थितियों की जाँच की जाएगी, जाँच जो होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मरने से पहले उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा है और वजह बताई है कि वो किसी लड़की से प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर सकता था और इस वजह से वो मरने के लिए मजबूर हुआ। लाश को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सौंप दी और खुदकुशी का मामला भी दर्ज कर लिया है। अब कानून करे भी तो क्या करे, कोटा के इस शख्स ने मौत को खुद ही चुनी है और साथ में इश्क को बदनामी के कगार पर भी ले आया है। कोटा से जियाउद्दीन खान के साथ क्राइम डेस्क समाचार प्लस।